कपड़े भी हैं इनके, करंट सा लगा है काफी, देखना होगा। सोफर आए हैं डेयरी, वो बात अलग है, इन्होंने 32 मिनट स्नान किया है। और ये बहुत ही शानदार, ये हम सुरंग में घुसते हुए, ये ऐसी है जैसे देहरादून जाता है ना, बस वो छोटी सी है, छोटी सी है, ये हम निकलते हुए सुरंग से। वो काफी सुंदर नजारा, शीशे में पानी मारना भाई, मजा नहीं। बहुत ही शानदार नजारा, अद्भुत कह सकते हैं। और ये देखना दादी अम्मा घाट के सहारे चलते हुए। कौन सा डैम है? चिरकिला डैम। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं वो सीधा जाता है आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर की तरफ, लेकिन हमें लेफ्ट लेना है जो हमें पहुंचाएगा चौदास घाटी नारायण आश्रम। Look at the view guys, isn't this beautiful? These mountains are just love. और यहाँ हम रुके हैं पांगू गांव में कुछ चाय वाय पीने के लिए। ये है पांगू। चौदास घाटी की ओर अग्रसर नारायण आश्रम, काफी दूर और काफी खतरनाक रोड, ऊंची ऊंची पहाड़ों के बीच से निकलते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलते हुए चीर फाड़ के पहाड़ों को, धारचूला से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारायण आश्रम स्वामी का यह मंदिर, हम इसका दर्शन करने पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से ये आश्रम बंद कर रखा है। और हम लोग आज अपने डाक बंगले PWD का जो निरीक्षण भवन है उसका भी हम आपको व्यू दिखाएंगे अभी कुछ देर में, वहां पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल हम बीजी की चाय का आनंद लेते हुए यहाँ पे, और हमारे साथ हैं नव विवाहित जोड़ा श्री रजनीश एवं श्रीमती प्रिया, श्रीमती चीनू कह सकते हैं आप, श्रीमती चीनू। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? काफी अच्छी फीलिंग है, मैं पहले भी एक बार आया हूँ यहाँ। अच्छा, और मैं विवाहित होने के बाद पहली बार ही, विवाहित होके कैसा लग रहा है ये बताओ, वैलेंटाइन डे के मौके पे कुछ शब्द? ठीक, अच्छी फीलिंग है। और ये देखना, आपने कभी सोचा था रजनीश की वैलेंटाइन डे पे आपको नारायण आश्रम आने का मौका मिलेगा? और आप यहाँ पे नीचे की ओर दिखाइए जरा, मुंगचीकांग नियंग गांव दिखाइए, मुंगचीकांग नियंग गांव है, इसका रास्ता जाता है यहाँ से, ये वाला आप देख सकते हैं, ये रास्ता जा रहा है, जो गाय भी चल रही है आगे जाके वो नियंग गांव है, मुंगचीकांग नियंग गांव। बहुत ही सुंदर गांव है यहाँ, देख सकते हैं आप फील्ड्स, बहुत ही
ब्यूटीफुल। ये गांव है और ऊपर वो नारायण आश्रम है, वहाँ पे वो है नारायण आश्रम, दिस वन। हाँ वहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर। ओके और एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन रोड यहाँ से निकलती हुई देखना होगा, मोटे मोटे पत्थर, जीवन जी टू जी थ्री शानदार। और अंकित भाई हमारे साथ हैं और उनकी उनकी देखरेख में इसका उनकी देखरेख में आप देख रहे हैं इस पे जी थ्री का पत्थर बिक चुका है, बस एक बार रोलर चल के और डामर होना बाकी है जो कि कार्य प्रगति पर है। और इस रोड में जो हमारी श्रमिक कार्यरत है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ ये काफी, और देखिएगा किस प्रकार से यहाँ लोग रहते हैं और कड़ाके की ठंड में ये लोग पूरी मेहनत से यहाँ काम करते हैं। और ये एक इधर से छोटा सा जो शॉर्टकट हम कह सकते हैं जो नारायण आश्रम की ओर जा रहा है, नारायण आश्रम भी जाएंगे हम, लेकिन पहले हम जो है अपने निरीक्षण भवन में पहुँच रहे हैं और बहुत ही ऊंचाई पर इस वक्त हम हैं, लगभग 2700 मीटर अगर हम बात करें। और ये देखना होगा और डाक बंगले की ओर हम फिलहाल आ गए हैं और ये हमारा निरीक्षण भवन नारायण आश्रम जो कि अभी कुछ ही दिन पहले बन के तैयार हुआ है और यहाँ गेट खोलने की तैयारी। और अंकित भाई गाड़ी से उतर गए हैं, अपना चश्मा उन्होंने लगाया हुआ है। और वादियों के बीच में बहुत ही शांत और बहुत ही शानदार। और भाभी जी जो है उतरने का भरसक प्रयास करती हुई गाड़ी से, और देखना होगा, और काफी खुश नारायण आश्रम में आके। Hey guys, so finally we have reached Narayan Ashram and the place is so beautiful, you guys. हम रुके हैं PWD गेस्ट हाउस में क्योंकि अंकित जो है वो PWD में है एंड द प्लेस इज सो काम, सो पीसफुल, इट्स लाइक अ हिडन जेम इन उत्तराखंड। सो टुडे इज वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। सो या लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस। दिस इज द रूम वी आर स्टेइंग इन एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम मेस। दैट्स अंकित और ये है ब्रांच जो कि बहुत ही अच्छा होता है, इट्स लाइक अ मेडिसिनल प्लांट एंड लुक एट दीज ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स। ओह माय गॉड एंड लुक एट दिस, द व्यू इज जस्ट ऑसम। यू शुड टेक इन वाइड एंगल व्यू। I think snowfall पड़ने वाली है because the weather is quite bad. और वहाँ ऊपर के areas में snowfall हो भी गया है और शायद अभी हो रहा है। Okay, हाँ, that's the snowfall. अंकित मैं कहना चाहूंगा एक बार उधर भी थोड़ा दृश्य दिखाया जाए, काफी मौसम खराब है और जो है बर्फ पड़ने के आसार यहाँ पे लग रहे हैं हमें। और ये सामने नेपाल की वादियां हैं जो कि फिलहाल दिख नहीं रही हैं। और अंकित मैं कहूंगा ये पूरा ही आप दिखाएं हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत ही शानदार घने बादल लगे हैं और ऊपर बादल गरज भी रहे हैं, गरजहट सुनाई पड़ भी रही होगी।
मॉर्निंग गाइस, सो इट्स डे टू इन नारायण आश्रम. आज हम जाने वाले नारायण आश्रम क्योंकि कल यहाँ पे मौसम खराब हो गया था. जैसे ही हम पहुंचे बारिश पड़ने लगी और सामने वाले पहाड़ों पे तो बर्फ भी पड़ी है. सो हम इसलिए कल घूम नहीं पाए. आज हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले नारायण आश्रम. सो या लेट्स गो. पर जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए और ठंड के मौसम में पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म चाय और मैगी से अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है ना. और हम पहुंच गए हैं नारायण आश्रम. यो लुक एट द बोर्ड. दिस इज़ नारायण आश्रम. इट्स वेरी ब्यूटिफुल बट अभी कोरोना की वजह से बंद है. यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आए हैं. पूरा खाली है. आप देख रहे हैं. एंड लुक एट दीज माउंटेन्स. दे आर कवर्ड विद स्नो. इसका नाम रख लेते ना. आपका घर किधर है? नीचे है. लंकारी. लंकारी. अच्छा अच्छा. लंकारी में क्या है फिर? लंकारी में नहीं है घर. आप पढ़ते नहीं हो? स्कूल नहीं जाते हो? छुट्टी है. अच्छा छुट्टी है. अच्छा कौन सी क्लास में हो? तीन में. अरे वाह. आई होप आपको हमारे साथ घूम के मजा आया होगा. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. लाइक भी कर देना. कॉमेंट भी कर देना. एंड आई लव यू गाइज. बाय.